हाय स्टूडेंट्स, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की ये डे क्लास 2 है जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं। अगर आप सीधे डे 2 की क्लास में आए हैं तो पहले डे 1 की क्लास को देख लें जिसमें हमने आपको बिल्कुल शुरुआत से यानी कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंप्यूटर चलाना सिखाया है। डे 2 की इस क्लास में आप कंप्यूटर में कई सारे टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन करना, विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज करना, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करना, डेस्कटॉप आइकन को सो हाइड और रिसाइज करना, डेस्कटॉप में फोल्डर क्रिएट करना, इसके अलावा भी कई सारे टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीखना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, एक्सेल, इन्हें कैसे ओपन करेंगे आप ये सीखते हैं। जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं अगर वह डेस्कटॉप स्क्रीन में शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माउस कर्सर को उस प्रोग्राम के शॉर्टकट आइकन के ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद माउस के लेफ्ट यानी बाएं बटन को दो बार प्रेस करेंगे जिसे हम डबल क्लिक करना भी कहते हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्राम ओपन हो चुका है, ये प्रोग्राम विंडो है। इसमें आपको राइट साइड यानी दाईं तरफ सबसे ऊपर तीन बटन दिखाई दे रहे हैं जिनका यूज़ हम बार बार करते हैं। इसमें सबसे पहले मिनिमाइज बटन है, फिर मैक्सिमाइज और सबसे लास्ट में क्लोज बटन है। मिनिमाइज बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ओपन विंडो हाइड हो जाएगी। वापस इस विंडो को ओपन करने के लिए टास्क बार में उस प्रोग्राम के आइकन के ऊपर क्लिक करें। जब मैं सिर्फ क्लिक करें बोलता हूं तो उसका मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक से है। दूसरा बीच में मैक्सिमाइज बटन है, क्योंकि विंडो पहले से ही मैक्सिमाइज्ड है तो ये ऑप्शन अभी रीस्टोर डाउन बटन में बदल चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो उसके पिछले साइज में छोटी हो जाएगी और रीस्टोर डाउन बटन मैक्सिमाइज बटन में बदल जाएगा। अगर आपको इसके साइज को और छोटा या इससे बड़ा करना है तो इस विंडो के किसी भी साइड के कोने पर कर्सर को ले जाएं। अब जैसे ही कर्सर ड्रैग आइकन में बदल जाएगा तो लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखें, उसके बाद छोटा करने के लिए लेफ्ट साइड और बड़ा करने के लिए राइट साइड की तरफ खींचें। विंडो को फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज बटन को दबाएं। अब क्लोज बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी या कह सकते हैं प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आप प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, इसके लिए कर्सर को उस प्रोग्राम आइकन के ऊपर ले जाएं और राइट क्लिक दबाएं। अब पॉपअप मेन्यू में सबसे ऊपर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपको टास्क बार से किसी पेंड ऐप को ओपन करना है तो सीधे उस पर लेफ्ट क्लिक करें, यहां आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट मेन्यू से भी किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे नीचे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब जिस भी प्रोग्राम को आपने ओपन करना है इन ऐप लिस्ट को स्क्रॉल करके उसे ढूंढें और उसके ऊपर कर्सर को रखकर लेफ्ट क्लिक दबाएं, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप सर्च बार में उस प्रोग्राम के नेम को सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब डेस्कटॉप में प्रोग्राम शॉर्टकट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम को यहां डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही लाना चाहते हैं तो आपको उसका डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट करना होता है। उसके लिए सबसे नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब इस लिस्ट में उस ऐप को ढूंढें और कर्सर को उसके ऊपर रखकर माउस से राइट क्लिक दबाएं। अब मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें और फिर से उस ऐप के ऊपर राइट क्लिक करें। अब आपको पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। अब यस पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप स्क्रीन में क्रिएट हो चुका है। इसका एक और तरीका है जिसमें आपको स्टार्ट मेन्यू में सीधे उस प्रोग्राम के ऊपर माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखना है और अब उसके आइकन को डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ खींचना है और फिर से माउस के बटन को छोड़ देना है। फिर से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें और बटन को दबाए रखें और इसे खींचकर डेस्कटॉप में वहां रखें जहां आप इसे रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करने का। इसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन में कहीं भी राइट क्लिक करें, अब पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर शॉर्टकट पर क्लिक करें। अब उस फोल्डर में जाएं जहां वो ऐप, फोल्डर या फाइल है, उसे सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर फिनिश पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं उस फोल्डर का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो इन तरीकों से आप किसी फाइल, फोल्डर और ऐप का डेस्कटॉप में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में ये डिफॉल्ट शॉर्टकट जैसे दिस पीसी या रिसाइकल बिन शो नहीं हो रहे हैं
तो उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करें। अब सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें, फिर लेफ्ट साइड में थीम्स पर क्लिक करें। अब राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस पॉपअप मेन्यू से आप डिफॉल्ट डेस्कटॉप आइकन को हाइड और शो कर सकते हैं। शो करने के लिए बॉक्स को चेक करें और हाइड करने के लिए अनचेक करें, फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब हम इन विंडो को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां वह आइकन शो होने लगे हैं। अगर आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन में कई फाइल्स को एक जगह पर रखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप में उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर उन फाइल्स को रख सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन में कहीं भी राइट क्लिक करें, उसके बाद पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर फोल्डर पर क्लिक करें। अब फोल्डर को कोई नाम दें और एंटर की दबाएं। आप देख सकते हैं यहां पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अक्सर आपने देखा होगा लोग बार बार अपने पीसी या लैपटॉप को रिफ्रेश करते रहते हैं। हालांकि बार बार रिफ्रेश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी पीसी की परफॉर्मेंस या स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि जब आप रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी चेंजेस आपने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन में किए होंगे उन्हें ये शो करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप स्क्रीन में। अब वैसे तो विंडोज में ऑटो रिफ्रेश फीचर होता है जो आपके किए गए चेंजेस को उसी समय डिस्प्ले में शो कर देता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आप रिफ्रेश बटन का यूज कर सकते हैं। तो हाँ, रिफ्रेश करने से आपका पीसी फास्ट नहीं होता है। तो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना बड़ा ही आसान है। स्क्रीन में कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें, उसके बाद रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करें। जो भी चेंजेस आपने डेस्कटॉप में किए होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। अगर आप टास्क बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ लॉन्च एरिया में एप्स को पिन करना चाहते हैं या कुछ एप्स को यहाँ से अनपिन करना चाहते हैं, यहाँ कौन सा आइकन शो होगा कौन सा नहीं अगर ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, या टास्क बार के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, और इवन टास्क बार को बॉटम की जगह टॉप में या साइड में लगाना चाहते हैं, तो ये सब आप अभी सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले टास्क बार के लॉन्च एरिया में एप्स को पिन और अनपिन करना सीखते हैं। अगर कोई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप बार बार यूज करते हैं तो आप उन्हें टास्क बार में पिन कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जब भी आपको उन्हें ओपन करना होगा तो आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपको सामने दिखाई देंगे। तो पिन करने के लिए उस ऐप का नाम सर्च बॉक्स में टाइप करें। आप देख सकते हैं यहां आपको पिन टू स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस ऐप का आइकन शो होने लगा है। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट मेन्यू में इसे पिन करना चाहते हैं, मतलब यहां अगर पिन करना चाहते हैं, तो आपको पिन टू स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। अगर इसको अनपिन करना है यानी यहां से अगर हटाना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करें। अब अगर आपको नोटिफिकेशन एरिया में से कौन से आइकन्स देखने चाहिए ये सिलेक्ट करना है, तो टास्क बार के खाली स्पेस में राइट क्लिक करें और फिर सबसे नीचे टास्क बार सेटिंग्स पर क्लिक करें। आपके सामने टास्क बार सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और नोटिफिकेशन एरिया हेडिंग के नीचे सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिन आइकन्स को शो करना चाहते हैं उन्हें ऑन कर दीजिए, जिन्हें हाइड करना चाहते हैं उन्हें ऑफ कर दीजिए। आपके चेंजेस यहां शो होने लगेंगे। अब सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में बैक बटन पर क्लिक करके पीछे आ जाइए। यहां ढेरों सेटिंग्स है पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट की ही बात करेंगे। जैसे अगर आपको स्क्रीन पर टास्क बार की लोकेशन चेंज करनी है, तो टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन के नीचे बॉक्स पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से बॉटम सेलेक्ट है, इसीलिए हमें टास्क बार बॉटम में शो हो रहा है। आप इसे स्क्रीन के चारों कोनों जैसे लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम कहीं भी रख सकते हैं। चलिए राइट पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए राइट में शो होने लगा है, हालांकि बॉटम सबसे सही पोजीशन है। अब जैसे ये न्यूज एंड इंटरेस्ट यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं शो न्यूज एंड इंटरेस्ट को ऑफ कर दूंगा। होने को यहां ढेरों सेटिंग्स है पर हम किसी को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। एक तो ये उतने काम की नहीं है, दूसरा इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट छोड़िए। अगर ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। तो यहां से आप टास्क बार का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट साइड में कलर्स पर क्लिक करें, फिर चूज योर कलर के बॉक्स में विंडोज डार्क मोड को सिलेक्ट करें। आप लाइट मोड में टास्क बार के बैकग्राउंड को नहीं बदल पाएंगे।
उसके बाद इन्हें डार्क ही रहने दें। यहां से जो कलर आपको रखना है टास्क बार के बैकग्राउंड का उसको सिलेक्ट करें। अगर यहां आपको अपनी पसंद का कलर नहीं मिलता तो कस्टम कलर पर क्लिक करें और फिर यहां से आप उस कलर को पिक करके डन पर क्लिक करें। अंत में स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर के चेकबॉक्स को चेक कर दें। आप देख सकते हैं टास्क बार का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा टास्क बार मेन्यू और यहां एक्शन सेंटर का भी बैकग्राउंड सेम हो चुका है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब अगर आपको विंडोज की थीम चेंज करनी है तो यहां आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में थीम्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब चेंज थीम के नीचे थीम्स शो हो रही हैं। आप टेस्ट करके देख सकते हैं कौन सी थीम ज्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं लिंक्स के कलर चेंज हो चुके हैं। यहां टास्क बार में आइकन्स के नीचे के कलर भी चेंज हो चुके हैं और इसके अलावा डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो चुकी होगी। अगर आपको यहां दी गई थीम्स नहीं पसंद आती है तो आप गेट मोर थीम्स पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से दूसरी विंडोज थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद पॉपअप मेन्यू में सबसे नीचे पर्सनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहां चूज योर पिक्चर में दी गई इमेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्राउजर बटन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं। तो हम यहां से इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद विंडो को क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पिक्चर चेंज हो चुकी है। अगर आपको इन डेस्कटॉप आइकन्स को छोटा बड़ा करना है तो डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू में आइकन्स के साइज को लार्ज मीडियम एंड स्मॉल में सेट करें। तो ये डे टू की कंप्यूटर क्लास में इतना ही काफी है। आई होप आज आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक ही दिन में सीख जाएं, पर जितना भी सीखें उसे ऐसे सीखें कि आपको उसे दोबारा सीखने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही चीजें हैं जो एक क्रिएटर को आप लोगों के लिए और यूजफुल कॉन्टेंट बनाने में मदद करती है। तो आपसे मिलते हैं डे 3 की कंप्यूटर क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।